नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारत के रोहित शर्मा और कीवी टीम के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल के बीच T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर रहने की होड़ मची हुई है। कभी रोहित मार्टिन गुप्टिल को पछाड़कर पहले स्थान पर कब्जा जमा लेते हैं तो कभी गुप्टिल आगे निकल जाते हैं। पर कल जब न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही थी, तब कीवी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 225 रन बना डाले, जिसमें कीवी टीम ने स्कॉटलैंड को 68 रन से एक तरफा हार दी। पर इस मैच में कीवी टीम के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने 31 गेंदों में 40 रन की पारी खेली और इस 40 रन के बदौलत वो T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए। गुप्टिल से पहले भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा थे। उन्होंने 128 मैचों में 120 पारी में 3379 रन बनाए हैं, पर इस रिकॉर्ड को गुप्टिल ने 40 रन बनाकर तोड़ दिए और 116 मैचों की 112 पारियों में 3399 रन बनाकर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं इस मामले में तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने मात्र 99 मैचों की 91 पारी में 3308 रन बनाए। औसत के हिसाब से देखा जाए तो विराट पहले स्थान पर है, उनका औसत 50.12 का है, तो वहीं गुप्टिल का 32.37 और रोहित शर्मा का 32.18 है। वहीं चौथे स्थान पर आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग है। इस नाम को सुनकर भले ही आप सभी को आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह सच है। उन्होंने 107 मैचों में 2894 रन बनाए हैं। वहीं पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर और विस्फोटक बल्लेबाज एरन फिंच हैं, जिन्होंने 92 मैचों में 2855 रन बनाए हैं। वैसे देखा जाए तो आज रोहित एक बार फिर से पहले स्थान पर अपना कब्जा जमा सकते हैं, क्योंकि आज से ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।